इन दिनों पितृपक्ष की शुरुआत से ही सेठानी घाट पर सामूहिक तर्पण किया जाता है। इस दौरान शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ तर्पण करने घाट पर आते हैं। तर्पण के बाद घर जाकर अपने पूर्वजों को भोग लगाया जाता है। वहीं आसमान में कौवे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे में श्रद्धालु इस बात को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु अपने पूर्वजों का तर्पण किस तरह करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए भोग किसे लगाएं? तो आप चिंतित ना हों, इस समस्या का समाधान भी है। पंडित आचार्य JS तिवारी ने श्रद्धालुओं की इस सुविधा को दूर करने के लिए एक उचित उपाय बताया है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार नर्मदा के जल का प्रभाव आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में रहता है। यदि आप शहर में ट्यूबवेल और नर्मदा लाइन से आने वाले पानी से तर्पण करना चाहते हैं तो आपका तर्पण पूर्ण होगा। तर्पण करने के लिए श्रद्धालु के मन में श्रद्धा का भाव होना जरूरी है। जहाँ भी आप तर्पण करें, पूर्ण श्रद्धा से करें। उन्होंने बताया कि यदि आपको आसमान में कौवे नजर नहीं आ रहे हैं तो भोजन किसे कराएं? इसके लिए आप गोमाता को भी भोजन करा सकते हैं, क्योंकि गोमाता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। इसके साथ भी उन्होंने बताया कि पूर्वजों को हम जो भोजन देते हैं वो उन्हें प्राप्त होता है। हम आचार्य JS तिवारी है और आज हम तर्पण कर रहे हैं। पितृपक्ष चल रहा है, इसमें हमारी मान्यता है शास्त्र के अनुसार कि हम इस समय तर्पण करने से और श्राद्ध करने से हमारे जो पितर हैं वो संतुष्ट होते हैं, उन्हें अन्न की प्राप्ति होती है, उन्हें जल की प्राप्ति होती है, जिससे वो संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पंडित जी कहते हैं कि इन दिनों में कौवे नहीं मिलते हैं, इनकी जगह गाय को भोजन कराते हैं, तो उससे क्या पुण्य लाभ मिलेगा? और ये कहीं ये शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या गाय को भोजन कराने का? जी, हमारे यहाँ तर्पण और श्राद्ध के बाद पंचग्रासी निकाली जाती है, जिसमें कौए को, गाय को, कुत्ते को, चींटियों को और अभ्यागत, ये ऐसे जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे, उन्हें हम अपनी मिष्ठान इत्यादि उन्हें भोजन कराते हैं। इस स्थिति में अगर कौए नहीं मिल पाते हैं तो हमें गौ माता को भोजन कराने से वही लाभ होता है जो हमें अन्य जगह भोजन कराने से होता है, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है और निसंदेह गौ को हम संतुष्ट करेंगे तो समस्त देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे।